विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कौशाम्बी पुलिस कर रही वाहनों की संघनन जांच। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पुलिस और प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जाने के लिए तैयारियां में जुटा हुआ है। एक ओर जहां प्रशासनिक अधिकारी मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं को पूरा कराने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आदर्श से आचार संहिता का पालन कराए जाने को लेकर दूसरे जनपदों से आने वाले वाहनों की चेकिंग कर तलाशी ले रही है। कौशाम्बी जिले के नवागत SP हेमराज मीना के निर्देश पे आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु मंगलवार शाम को प्रतापगढ़ एवं कौशाम्बी जिले के बॉर्डर पे बने कड़ाधाम कोतवाली की पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर चंद्रभूषण मौर्य के नेतृत्व में टीम द्वारा दूसरे जनपदों से आने वाले चौपहिया वाहनों की चेकिंग और तलाशी के लिए संघनन अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 3 कार एवं अन्य बड़े वाहनों की टिगिया बोंटो एवं संदिग्ध दिखने वाले बैग आदि को खुलवाकर तलाशी ली और वाहन चालकों से भी चुनावी समय में कोई भी ऐसा सामान जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो चुनाव प्रचार सामग्री साथ लेकर न चलने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि कौशाम्बी जिले की कलाधाम कोतवाली क्षेत्र से प्रतापगढ़ फतेहपुर जनपद के बॉर्डर शुरू होते हैं। ये दोनों जनपद हमेशा सुक्रियों में बने रहते हैं। अचानक से चले चेकिंग एवं तलाशी अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।